Hello children, to learn anything about any language, we must learn alphabet of that language. As we know that there are 26 alphabet in English language. We know that out of that, 21 are consonants and 5 are vowels. A, E, I, O, U, these are 5 vowels. Remaining are consonants. Let us learn how to pronounce these letters independently and in words or in sentence. Let us start. How to pronounce alphabet? English letters, उसके name, मराठी हिंदी उच्चारण, इसे हम फोनिक साउंड्स कहते हैं। ये है फर्स्ट लेटर, इसे हम ए कहते हैं और इसका फोनिक साउंड आएगा ए, 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 ए। नेक्स्ट लेटर है बी, इसे हम बी कहते हैं, बी का फोनिक साउंड आएगा ब, ब। तो बच्चों आपको फोनिक साउंड्स मींस पता है क्या? फोनिक साउंड्स किसे कहते हैं? जो ये इंग्लिश लेटर्स है, उस लेटर को जब हम वर्ड में यूज करते हैं, तब जो साउंड निकलता है उसे हम फोनिक साउंड कहते हैं। जो ये इंग्लिश लेटर्स है उसको जब हम वर्ड में यूज करते हैं, तब जो साउंड निकलता है उसे हम फोनिक साउंड कहते हैं। ये इंग्लिश लेटर से और उसके ए क्या है? फोनिक साउंड से। क्या है फर्स्ट लेटर? ए है, तो ए का फोनिक साउंड क्या निकलेगा? ए, ए, ब। है बी है, इंग्लिश लेटर बी है और इसका फोनिक साउंड क्या निकलेगा? ब, ब। नेक्स्ट लेटर ये है, इसे हम सी कहते हैं और उसका फोनिक साउंड आएगा क, क, सी का क, क। नेक्स्ट लेटर है ये, उसे हम कहते हैं डी और फोनिक साउंड आएगा ड, ड। नेक्स्ट लेटर ये है, इसे हम ई कहते हैं और फोनिक साउंड है ए, ए। नेक्स्ट लेटर ये है, इसे हम यफ कहते हैं, फोनिक साउंड है फ, फ। नेक्स्ट लेटर ये है, इसे हम जी कहते हैं और फोनिक साउंड है ग, ग। नेक्स्ट इंग्लिश लेटर ये है, इसे हम यच कहते हैं और इसका फोनिक साउंड आएगा ह, ह। नेक्स्ट लेटर ये है, इसे हम आय कहते हैं और फोनिक साउंड आएगा ई, ई। नेक्स्ट लेटर ये है, उसका उसे हम जे कहते हैं और उसका फोनिक साउंड आएगा ज, ज। तो चलो हम फिर से एक बार इसे कहते हैं, ए इंग्लिश लेटर को ए, ए, ए। बी ब, बी ब। सी क, सी क। डी ड, डी ड। ई ए, ई ए। एफ फ, एफ फ। जी ग, जी ग। एच ह, एच ह। आई ई, आई ई।
नेक्स्ट इंग्लिश लेटर ये है, इसे हम के कहते हैं और उसका फोनिक साउंड आएगा क क। नेक्स्ट लेटर ये है, इसे हम एल कहते हैं, उसका फोनिक साउंड है ल ल। नेक्स्ट लेटर ये है, इसे हम यम कहते हैं, फोनिक साउंड आएगा म म। नेक्स्ट लेटर ये है, इसे हम यन कहते हैं, फोनिक साउंड आएगा न न। नेक्स्ट लेटर ओ है और उसका फोनिक साउंड आएगा औ औ। नेक्स्ट लेटर ये है, इसे हम पी कहते हैं, फोनिक साउंड क्या आएगा प प। नेक्स्ट ए है, इसे हम क्यू कहते हैं, उसका फोनिक साउंड क्या आएगा बच्चों क्व क्व। नेक्स्ट लेटर ये है, इसे हम आर कहते हैं, इसका फोनिक साउंड आएगा र र। नेक्स्ट लेटर ये है, इसे हम यस कहते हैं, फोनिक साउंड आएगा स स। नेक्स्ट लेटर ये है, इसे हम टी कहते हैं, फोनिक साउंड आएगा ट ट। तो बच्चों आपको पता चला होगा फोनिक साउंड, तो चलो एक बार फिर से करते हैं, फिर से एक बार रिवाइंड करते हैं। के क क एल ल ल एम म म एन न न ओ ओ ओ पी प प क्यू प क्व आर र र एस स स टी ट ट। नेक्स्ट लेटर ये है, उसे हम यू कहते हैं, उसका फोनिक साउंड है अ अ। नेक्स्ट लेटर ये है, इसे हम वी कहते हैं, फोनिक साउंड क्या आएगा व व। नेक्स्ट लेटर ये है, इसे हम डब्लू कहते हैं, फोनिक साउंड आएगा व व। नेक्स्ट लेटर ये है, इसे हम एक्स कहते हैं और उसका फोनिक साउंड क्या आएगा स स। नेक्स्ट लेटर वाई है और इसका फोनिक साउंड आएगा य य। नेक्स्ट लेटर ये है, इसे हम जेड कहते हैं और उसका फोनिक साउंड क्या आएगा झ झ। तो चलो फिर एक बार रिवाइंड करेंगे। यू अ अ वी व व डब्लू व व एक्स स स वाई य य झेड झ झ। तो बच्चों चिल्ड्रन, हमने अभी ए फोनिक साउंड देखे है, अब इसका यूज कैसे होता है, वर्ड में यूज कैसे करते हैं वो फोनिक साउंड, इसका एक एग्जांपल देखेंगे। देखो मैंने यहाँ पे कुछ अल्फाबेट लिखे है, इसे हम इसका नाम क्या बोलते हैं हम सी। इसे हम क्या कहते हैं ए। और इसे क्या कहते हैं टी। सी ए T
टी, तो हम इसे ऐसे उच्चारते हैं क्या वर्ड में, इसे ऐसे ऐसे फोनिक साउंड इसका क्या निकलता है? ये जो यहाँ मैं लेटर लिखी हूँ उस लेटर को मैं हम ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं क्या? तो नहीं, हम फोनिक साउंड से उसे प्रोनाउंस करते हैं। सी ए टी, सी ए टी ऐसे बोलते हैं क्या उसे? नहीं, तो फोनिक साउंड से उसे हमें प्रोनाउंस करना करते हैं। तो इसलिए उसका फोनिक साउंड क्या निकलेगा? देखो, सी का फोनिक साउंड क्या है? क। ए का फोनिक साउंड ए, अनि टी का फोनिक साउंड है ट। तो देखो अब क्या होगा, हे ए वॉवेल से ए, ए कॉन्सोनेंट्स में क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। तो इसे हम मिलाकर क्या होगा? क्या और ए ट, तो क्या हो गया उसका फोनिक साउंड? कैट, सी ए टी। उसका फोनिक साउंड क्या हो गया? कैट।